अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? चलिए भैया, छोटी सी मॉर्निंग वॉक पर मेरे साथ चलिए। आज छोटी सी मॉर्निंग वॉक 3 मिनट्स की है। बच्चे बहुत दिनों से तंग कर रहे थे कि मामा कोविड की वजह से हम मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाते, तो मैं उनके बहुत इसरार करने पे उन्हें मॉर्निंग वॉक के लिए ले गई। लेकिन ये देखिए कि किस कदर बुरा हाल है कि कीचड़ है जो इसकी स्विंग्स हैं उसके नीचे, इतना कीचड़ है कि उस पर झूले लेने भी बहुत मुश्किल हैं। लेकिन वो अब बच्चे जो है अपना शौक पूरा कर रहे हैं, टूटे हुए स्विंग पे भी झूले ले रहे हैं। तो कोविड की वजह से बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे लोग जो हैं वो अंदर बंद हैं, तो हमने सोचा कि चलें थोड़ी देर बाहर की हवा लगा के देखें कि ओरिजिनल जो ऑक्सीजन है वो कैसी होती है। तो बच्चों ने थोड़ी देर के लिए तो इन्जॉय किया, इन्होंने स्विंग्स लिए। फिर उसके बाद ये देखिए, मौसम बहुत अच्छा था जब हम घुसे, देखें क्या खूबसूरत से क्लाउड्स, इतने प्यारा कलर था। लेकिन बहुत सुफोकेशन थी, इतनी सुफोकेशन थी, इतना दम घुट रहा था, लग रहा था कब मॉर्निंग नहीं है ये इवनिंग है। लग रहा था ये जितने भी प्लांट्स हैं ये सारे प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर रहे हैं, क्योंकि सुफोकेशन बहुत थी, घुटन बहुत हो रही थी। खैर, बच्चों का जो टाइम था वो मैंने पास करवा दिया, इन्हें स्विंग ली, इन्होंने फ्रिस्पी खेली, और उसके बाद हमने कहा कि अब हमें वापस जाना चाहिए इससे पहले कि बहुत ज़्यादा सुफोकेशन बहुत ज़्यादा हो जाए। आजा भाई, और आजा, फिर हमने वापसी की तरफ का रास्ता लिया। हेलो, ये छोटा सा इंटरव्यू है, हम लोग वापस घर जा रहे हैं और हम लोग को इंतहा दर्जे की गर्मी लग रही है और कोई है नहीं यहाँ पे आने का, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुफोकेशन है। इससे अच्छा हम लोग घर में पंखों में बैठे हैं अपने। और बस इसी के साथ कैमरामैन बरिया के साथ अल्लाह हाफिज़। आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे। आपने इंजॉय किया? मैंने नहीं। अल्लाह, इसकी छित्तर लगाओ पकड़ के। आप क्या लेने आए थे? आप यहाँ क्या लेने आए थे? खेल खेल के मेरा हाल बुरा हो गया, कह रहे मज़ा नहीं करा। जैसे ही हम वॉक ख़त्म करके पार्क से बाहर निकले तो यकीन करें कि दिल जो था ना सड़ बल के कोला हो गया। गंदे नाले का हाल है। बरसाती नाले हैं हमारे मुल्क के, बहुत सारे पैसे लगा कर ये बनाए जाते हैं ताकि जिस वक्त बरसात का मौसम शुरू हो तो हमारी जो सड़कें और गलियां हैं वो पानी से बच सकें। और ये बरसाती नाले कूड़े का ढेर बने हुए, लोग भी जाहिल हैं, और इसमें हम सिर्फ अपने मुल्क को ही, अपने इंतज़ामिया को ही गलत कहते हैं, हमें खुद बिल्कुल तमीज़ नहीं है। कि ये देखिए, ये सड़क है और ये सड़क के ऊपर कूड़े का इस कदर गंदा ढेर था, इसमें इस कदर स्मेल थी, और इतने के कीड़े चल रहे थे कि मैं ना, मेरा कैमरा इसको शूट नहीं कर सकता। हम सिर्फ एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि मुल्क गंदा है, हुकूमत ने ये कर दिया, हुकूमत ने वो कर दिया। हमारे जो अपने फ़र्ज़ हैं वो हम भूल जाते हैं। मुल्क साफ़ रखना हमारा अपना फ़र्ज़ है।